इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर जयप्रकाश नारायण की जयंती से पहले सियासी घमासान देखने को मिला। लखनऊ में जेपीएनआईसी यानी कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर टीर की ऊंची दीवार लगाई गई। आज जेपीएनआईसी में अखिलेश यादव का कार्यक्रम है और ऐसे में आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यह पूरा कार्यक्रम है और देर रात अखिलेश यादव जेपीएनआईसी पहुंचे, जहां पर अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला, श्रद्धांजलि देने से रोका जा रहा है, ये अखिलेश बोलते नजर आए। सरकार को छुपाना चाहती है, जेपीएनआईसी को बेचना चाहती है सरकार। जयप्रकाश नारायण सेंटर, जहां पर टीम की ऊंची दीवार लगाई जा रही थी और उसी समय वहां पर अखिलेश यादव पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने सरकार पर हमला बोला और वो बोलते हैं कि श्रद्धांजलि देने से रोका जा रहा है। पिछले साल भी इसी तरह कुछ हुआ था, जिसके बाद अखिलेश यादव दीवार फांद कर गए थे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और इस साल जब उन्होंने देखा कि टीम के शेड से फिर से वहां पर कंस्ट्रक्शन का हवाला देते हुए दीवारों को ढका जा रहा है, तो इस बार भी उन्होंने पोस्ट भी किया, साथ ही सरकार पर हमला बोला। शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों, किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीज़ें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो? अखिलेश यादव को आपने सुना। और अब इस पूरे मामले पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिसके जिम्मे जेपीएनआईसी का रखरखाव और मरम्मत का जिम्मा है, उसकी भी सफाई सामने आई है। जेपीएनआईसी के गेट बंद करने पर एलडीए की सफाई सामने आई है। बिल्डिंग में निर्माण का काम जारी है और सुरक्षा कारणों से गेट बंद किए गए। टीन के शेड वहां पर लगाए गए, जिसके बाद अखिलेश यादव यहां पर ये बोलते हुए नजर आए कि ये हर साल देखने को मिलता है। अखिलेश यादव को जेड प्लस सुरक्षा मिली है, ये एलडीए का बयान था। और अखिलेश यादव का परिसर में आना सुरक्षित नहीं है, जिसके चलते ये गेट बंद किए गए। और मौके से जायजा लिया एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय ने, वो भी आपको दिखाते हैं। जेपीएनआईसी, जहां पर अखिलेश यादव को आना है, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करना है, उस पर आज एक तरफ पहले टीन शेड लगाया गया और उसके बाद यहां पर आप देखिए जो एलडीए के जो लोग हैं वो यहां पर जो लिखाई का काम है वो कर रहे हैं। और लिखा जा रहा है भवन निर्माणाधीन है, क्योंकि अंदर जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कहीं ना कहीं अभी चल रहा है, और इसी बात का कहीं ना कहीं हवाला देते हुए अखिलेश यादव को अंदर जाने से रोका भी जा रहा है। पिछली बार भी जब अखिलेश यादव अंदर जाने वाले थे, तब जब उनको रोका गया था, तब यही बात कही गई थी कि चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी चल रहा है, अंदर तमाम जो लोहे के सामान हैं, सरिया हैं, वो अलग अलग तरीके से वहाँ पर हैं, और अगर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के लोग अगर वहाँ जाते हैं तो कोई किसी को भी चोटिल हो सकता है, इस कारण उनको रोका गया था। और एक बार फिर से जब उनको रोका जा रहा है, तो यहाँ पर इस बिल्डिंग के सामने की भवन निर्माणाधीन है, इस तरीके का जो पेंटिंग है वो फिलहाल यहाँ की जा रही है। विवेक राय, एबीपी न्यूज़ के।